इस डीवी का ड्रेसिंग कैसे हुआ है। आइए फ्रेंड आज सीखते हैं, ये डीवी ड्रेसिंग इसमें हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये डीवी है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो इसमें कोई सेक्शन नहीं है, सेक्शन वाला डीवी का तो वीडियो बना चुका हूँ। तो वीडियो आप नहीं देखें तो आपको वीडियो का एंड में, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो है इसमें कोई सेक्शन नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मेन केबल आया है, ये देख सकते हैं मेन केबल है 4 कोर का, 16 mm का है। ओके, और इसका अर्थिंग है ये 1 कोर का, 1 × 16 mm। ओके, आप देख सकते हैं मेन ब्रेकर हमारा यहाँ लगा हुआ है, 63 एम्पियर का है, वो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें कोई सेक्शन नहीं है। ये जो है ये MCB नहीं है, ये जितना भी है ये MCB नहीं। इसमें थोड़ा आपको तरीका बताएंगे किस तरह से इसका ड्रेसिंग किया जाता है। बाकी इसका जब मैं ड्रेसिंग करेगा, अभी तो सारा हो चुका है, जब मैं करेगा तो आपको पूरा फुल वीडियो आपको मिलेगा, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इसमें सिर्फ आपको ये बताएंगे किस तरह से ड्रेसिंग किया जाता है इसका। तो ये MCB नहीं है, ये RCBO है, ये जितना भी लगा हुआ है सब RCBO है। इसका डिजाइन भी थोड़ा अलग टाइप का है, देख सकते हैं आप, ये पूरा लगा हुआ है। अब कितने एम्पियर का है सारा इसमें लिखा होता है, देख सकते हैं, ये देखिए 20 एम्पियर का। तो इसका ड्रेसिंग कैसे हुआ है आपको ये बताएंगे। तो हमारा ये देख सकते हैं ये ट्रंकिंग है, 100 × 100 का ट्रंकिंग है। तो ट्रंकिंग से हमारा जब केबल नीचे आता है तो इसको कपड़े से पकड़ के पूरा सीधा करेंगे, वायर को सीधा करने के बाद केबल टाई के मदद से इसको बाइंड करते हैं। तो आप लोग भी ये भी कमेंट करते हैं कि डीवी ड्रेसिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आप केबल टाई चाहिए, केबल टाई। इसके बाद हमको चाहिए, देख सकते हैं ये फेरुल है और इसके साथ लक्स लगा हुआ है, ये जो साइड में देख रहे हैं ये लक्स है। इसको क्लैंपिंग टूल से इसको दबाया जाता है, फिर वायर छील के इसको डाल के क्लैंपिंग टूल से इसको दबाने के बाद ये हमारा पंच हो जाता है। बाकी ये सर्किट नंबर होता है फेरुल से, फेरुल इसके लिए डाला जाता है। ये येलो वाला जो है ये हमारा फेरुल है, ये जो फेरुल है इसमें देख सकते हैं R2 है, R2 के साथ ये देख सकते हैं NR2, मतलब ये न्यूट्रल इसका R2 का, इसके लिए इसमें R2 लिखा है, N का मतलब न्यूट्रल। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसमें RCBO है जो ये हमारा, ये देख सकते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड ये RCBO है। तो इसमें फेस और न्यूट्रल ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके दिखा दे करीब से, ये L देख सकते हैं आउटपुट लिखा हुआ है और ये देख सकते हैं N लिखा हुआ है आउटपुट। तो इसमें फेस न्यूट्रल कुछ इस तरीके से आया है, इधर से इसको केबल टाई के मदद से इसको थोड़ा लगाया जाता है, केबल टाई मारा जाता है, इसमें केबल टाई इस तरह से मार के और फिर इस तरह से इसमें आया। और अर्थिंग जो हम देख सकते हैं, अर्थिंग का ये पूरा अर्थिंग का है, ये देख सकते हैं ये पूरा हमारा अर्थिंग है। तो अर्थिंग मेन अर्थिंग इधर लगा है, ये देख सकते हैं ये वाला हमारा मेन अर्थिंग लगा है। और अर्थिंग का जो केबल आया है देख सकते हैं अंदर साइड से आया है। तो अंदर साइड से लाने के बाद अर्थिंग को इस तरीके से नीचे ला के सीरियल वाइज सीरियल इस तरह से इसको डाला जाता है, पहले R उसके बाद Y उसके बाद B, इस तरीके से डाला है। तो अर्थिंग में जो फेरुल डलता है E डाला है, E का मतलब अर्थिंग, B10 मतलब B ब्लू सर्किट, ब्लू का है ये हमारा, अगर ये ब्लू है देख सकते हैं ये ब्लू, तो इसका अर्थिंग ये है, तो इसी तरीके से डाला गया है। इसमें देख सकते हैं N B10 का मतलब ब्लू हो गया, और इसी का जो देख सकते हैं ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल मतलब एक ही में, एक ही ब्रेकर जो है हमारा इसी में फेस न्यूट्रल आएगा डायरेक्ट, MCB में ऐसा नहीं होता है, न्यूट्रल अलग होता है। ओके, इसी तरीके से देख सकते हैं दोनों साइड हुआ है, ये देख सकते हैं इधर भी हमारा सेम इसी तरीके से हुआ है। फिर भी अगर मन में कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, जैसे न्यू वीडियो आने वाला सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो देख सकते हैं मेन ब्रेकर का तीनों फेस इसमें आया है, RYB और इधर अर्थिंग लग गया, इधर न्यूट्रल लग गया। ओके, इसी तरीके से देख सकते हैं, और इसमें जो ये न्यूट्रल लगा हुआ है ये हमारा जो हमारा ब्रेकर है, ये ब्रेकर से निकल के इसमें आया है, ये देख सकते हैं। ओके, ये इसमें से निकल के ब्रेकर में गया है, ये सब नीचे से आया है, और ये इसमें वाइट वायर भी आपको दिख रहा होगा, ये वाइट वाला इधर अर्थिंग में आया है अंदर साइड, क्योंकि इसका ड्रेसिंग पूरा हो चुका है। बाकी जब पूरा फुल ड्रेसिंग करूंगा तो आपको पूरा फुल वीडियो आपको मिलेगा। आपको बस इतना ही था, आपको थोड़ा सा बता दूं किस तरीके से होता है, थोड़ा मालूम भी होना चाहिए। और भी डीवी ड्रेसिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप बहुत सारा वीडियो उसमें डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं।
ओके फ्रेंड, बस इतना ही था आज के वीडियो में।